जा रहे क्या मुमरा के शाणे को समझाने के लिए? मालूम है मुमरा का शाणा कौन है? बाबा खान। बाबा खान मेरी जान, मैं हूँ गरीबों का प्रधानमंत्री। हमारी दाढ़ी देख के हमको मौलाना समझे क्या? भैया देखो, दुनिया में जो सबसे कीमती लकड़ी थी वो पुष्पा मेरे बेटे ने चुराया था, लाल चंदन की लकड़ी। हमारे देश के अंदर जो सबसे महंगी लकड़ी है लाल चंदन की लकड़ी, वो तो मेरे बेटे ने चुराया था। उसका नाम पुष्पा है, मैं पुष्पा का पप्पा हूँ। बाबा खान मुमरा के शाणे मेरी जान, खतरे में है तेरी जान। हाँ, आपने वो लाल चंदन की लकड़ी से भी भयंकर लकड़ी उठा ली है, पड़ी लकड़ी। इस दुनिया के अंदर सबसे महंगी लकड़ी है पड़ी लकड़ी। मैं अपने बेटे को समझाता था जिसका नाम पुष्पा है, और वो पुष्पा ने मेरी बात मान ली और उसने लाल चंदन की लकड़ी चुरा ली, आपने तो पड़ी लकड़ी उठा ली। हर हर महादेव, घर घर महादेव, पहुंचा के छोड़ेंगे पाकिस्तान में भी। माई सेल्फ राकेश एक्स धोबी, इंडियन धोबी। दाढ़ी देख के मौलाना नहीं समझना, कुर्ता पैजामा तो स्टाइल है रे अपना। की वफा तूने मोहम्मद से तो हम तेरे। ये सलमान खान और लॉरेंस बिश्नोई, ये सब कुछ नहीं है रे, कुछ नहीं है। इंडिया के अंदर नंबर वन डॉन, मैं बता रहा हूँ तुमको, इंडिया का सबसे इंटेलेक्चुअल इंसान। मैं भाई नहीं हूँ, अली भाई बिल्कुल नहीं हूँ, मैं गाय हूँ, गाय। दुनिया का नहीं, इंडिया का नंबर वन डॉन डॉक्टर भीमराव बाबा साहेब अम्बेडकर, दिख रहे हैं हमारे सर के ऊपर टाई कोट लगा के, नंबर वन डॉन, उनके जैसा डॉन कोई नहीं। ये सब, अरे ना जाने इस सरकार ने कितने सलमान खान को मरवा चुकी है बेचारे लॉरेंस बिश्नोई के हाथों से। ये सरकार पता नहीं कितने सलमान खान को मरवा चुकी है, लॉरेंस बिश्नोई को भी निगल चुकी है ये सरकार। ये लॉरेंस बिश्नोई का सलमान खान का फाइटिंग खत्म करो। बाबा खान अपने मन में डूब कर पा जा सुरागे जिंदगी, तू अगर मेरा नहीं बनता ना बन, अपना तो बन प्लीज। बाबा खान आपकी जान खतरे में है, आपको धमकी आ रही है, आप मजाक में ले रहे हो, आपके बीवी बच्चे हैं। अब जब ये दुनिया से इन लिल्लाई व इन इलाही राजीवन हो जाओगे तो कौन संभालेगा ये सरकार, कौन संभालेगा? क्यों पड़ी लकड़ी उठा रहे हो भैया? आओ, तुम्हारे हर सवाल का जवाब हमारे पास है, कुरान में है। तुम्हारे हर सवाल का जवाब मेरे रब के कुरान में है। मतलब तुमको नहीं पता चल रहा है, किताब तुम्हारे पास पड़ी है, तुमको ही पढ़ने नहीं आता है। हमारे पास तुम्हारे हर सवाल का जवाब है, कुरान से देंगे। और अगर आपने नहीं माना तो कुरान कौसर आपा के घर पे जाके खोल खोल के देंगे। कौसर आपा को जानते हो? अरे इंस्टाग्राम के ऊपर कौसर आपा का झगड़ा हो गया है बाबा खान के साथ में। बाबा खान उस अपने मसले को सुलझा नहीं रहा है। कौसर आपा बाबा खान को छिछोरा कह रही है, कैरेक्टर लेस आदमी कह रही है, और ये लॉरेंस बिश्नोई के नाम पे फेम खा रहा है। अरे सलमान खान लॉरेंस बिश्नोई कुछ नहीं, जैसी करनी वैसी भरनी, जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। तो भैया मौत से किसको रुस्तगारी है? आज हमारी तो कल तुम्हारी बारी है। बाबा खान आपने पड़ी लकड़ी जो उठाई है, इस दुनिया के अंदर सबसे महंगी लकड़ी उठाई है, ये लाल चंदन लकड़ी जो पुष्पा मेरा बेटे ने उठाया था ना, पुष्पा ने, कि उससे भी खतरनाक लकड़ी आपने उठाई है, तो मरने से पहले एक बार हमारे साथ में वन ऑन वन फेस टू फेस इंटरव्यू हो जाए। आप मीरा रोड से मुमरा से माहिम चले गए, बीच में सेंटा क्रूज भी आता है, थोड़ा लेफ्ट मार के इधर जू गार्डन के पीछे आ जाओ, मुलाकात कर लेते हैं। सुम में भीड़ भड़ाका मेरे को पसंद नहीं है, मैं अकेले में रहना पसंद करता हूँ। क्यों?
किस किस को पहचानोगे इस भरी महफिल में गालिब, हर एक चेहरे पे हजारों नकाब चढ़े हुए हैं, किस किस को पहचानोगे। बाबा सिद्दीकी तो चला गया तुम्हारा, किस किस को बचाओगे, अपनी गांड बचा लो। अब लॉरेंस बिश्नोई का नाम क्यों लिया आपने, इतनी बड़ी गैंग है लॉरेंस बिश्नोई की, हमसे पूछ लिया होता। मतलब गिव रिस्पेक्ट देन ओनली यू विल गेट रिस्पेक्ट ना। सलमान खान ने जब काला हिरन मारा था, 5 साल का बच्चा था लॉरेंस, 5 साल का बच्चा, उसने अपने सामने हिरन को मरता हुआ देखा, नाम सुना सलमान खान ने मारा है, बदला तो लेगा ना फिर मेरा छोटा भाई। लॉरेंस बिश्नोई हमारा छोटा भाई है, लॉरेंस बिश्नोई की कोई गलती नहीं है, लॉरेंस बिश्नोई को सरकार बदनाम कर रही है उसका नाम करके, बाद में सलमान खान को मरवाने के बाद में ये लॉरेंस बिश्नोई का भी इनकाउंटर करवा देगी। ये सरकार किसी की नहीं है, ये बेवफा सरकार, की वफा तूने मोहम्मद से तो हम तेरे, ये सरकार करती है हम गरीबों का रोज बलात्कार, ये सरकार। बिश्नोई और सलमान वालों एक हो जाओ यार गरीबों, इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा नेता तुम्ही हो कल के। बेटा मैं बच्चे लोगों को ABCD सिखाता हूँ और बाप लोगों को पॉलिटिक्स सिखाता हूँ, POLITICS पॉलिटिक्स। इफ यू वॉन्ट टू नो पी ऑफ पॉलिटिक्स प्लीज मियाँ भाई, यू आर मोस्ट वेलकम मियाँ भाई। यू तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, खान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ कि मुसलमान भी हो, मुसलमान हो, मुसलमान नहीं हो तुम, तुम लोगों को भाईगिरी करने की आदत हो गई है, और हम तो मोहम्मद रसूलुल्लाह के दीवाने हैं, हम भाई से गाय बन गए भाई, मोहम्मद रसूलुल्लाह की तालीमात ले लेके हम भाईगिरी से गायगिरी पे उतर गए। तुम भाईगिरी करना बंद कर दो, आपस में बरेलवी देवबंदी के मुल्लों तुम उम्मत मोहम्मदिया को लड़ाना बंद कर दो, तब देखो ये बंद कर उसको, डिस्टर्ब हो रहा है, तू लाइव देखना चाहता है दूर लंबा जाके देख, डोंट डिस्टर्ब मी, आई एम काला साहेब काट रहे ऑन ड्यूटी, काला साहेब काट रहे ऑन ड्यूटी। जय महाराष्ट्र निर्माता, हमारे सामने कौन किताब लेकर आता, ज्ञान के मैदान में कोई आता। अभी बाबा खान ने तो लॉरेंस बिश्नोई को चैलेंज कर दिया, लॉरेंस बिश्नोई प्लीज मेरे भाई को माफ कर दे बाबा खान को, उसको कुछ समझ में नहीं आता वो क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है, वो तो अपने गिरेबान में नहीं झांकता है, वो दूसरों के ऊपर उंगली उठाता है। बाबा खान तेरे हर सवाल का जवाब है, पहले तू हमारे कौशर आपा का सवाल का जवाब दे। मुलगी शिकली तर प्रगति झाली, पहले कौशर आपा जो मीरा रोड के अंदर जिसके घर में आपने एक औरत को लेकर गए थे और फिर वहां पे अपने जिस तरीके से हरामपंथी की थी, उस सवाल का जवाब दो इंस्टाग्राम के ऊपर, उसके बाद में ही तुम देशभक्ति का कोई गाना गाना। हमको क्या समझ रहे बचका ना, बाप है हम, हसन के अब्बा है हम, अली भाई बोलते समझ में आ रहा है, जो भी बोलते नाप तोल के बोलते है। बाबा खान सब जाने वाले हैं, तो हम भी एक दिन चले जाएंगे, तो हम बोले पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा बेटा हमारा, ऐसा काम करेगा तो काम करने आए ना, नहीं मानते हम महादेव के अलावा किसी के बाप को, नहीं मानते हम किसी को, नहीं जानते हम। डर सभी को लगता है, इसलिए तो 2.5 करोड़ की सल्लू भाई ने गाड़ी मंगाया है, तो डर लगता है रे, जान का डर लगता है, सल्लू बाबा को भी लगता है, तो पैसा था तो लाया ना 2.5 करोड़ की गाड़ी। हम लोग जो गरीब लोग रोज मरते हैं, हमारे पास में तो 2 रुपया नहीं है, भूख से मरते रे रोज, जंग लड़ते है गरीब, भूख से जंग लड़ते, तुम्हारी तरह बकचोदी नहीं करते, सोशल मीडिया पे हकते नहीं है। जितने भी है लॉरेंस बिश्नोई और सलमान खान के फैन, राकेश एक्स, ना हिंदू ना मुसलमान, सबसे पहले इंसान, मुसलमानों से जितना मेरे को आपत्ति है उतना इंडिया में किसी हिंदू को नहीं होगा, धोबी हूँ मेरी जान, लेकिन फिर भी रिस्पेक्ट करता हूँ मैं मुसलमानों के धर्म की। तुम भी सब लोग आपस में एक दूसरे की धर्म की रिस्पेक्ट करो, सलमान खान गिव रिस्पेक्ट टू अदर पीपल्स रिलीजन। वहाँ पे हिरन है ना भगवान है,
बिश्नोई समाज में, आपने भगवान को गोली चला दी, माफी मांग वरना अपनी जान खतरे में है। मेरी जान, मैं न्यूट्रल हूँ, मैं किसी की तरफ नहीं हूँ, ना मैं बिश्नोई की तरफ हूँ, ना मैं सलमान खान की तरफ हूँ, आई एम इंडियन, हमारे देश के गरीबों की तरफ हूँ मैं, ना मैं लेफ्ट साइड में ना राइट साइड में, अपन तो सेंट्रल में आ गए ले अली भाई, मुहम्मदी बन गए ले भाई। इधर जीशान सिद्दीकी को अपने बाप का इंसाफ नहीं मिल रहा तो हम गरीबों को कहाँ से मिलेगा, इसलिए मैंने कलमा पढ़ लिया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, जाओ अब गोली चलाओ। हमको किसी के बाप का खौफ नहीं, अबे मौत के बाद में एक से एक शॉट है, उसका खौफ है हमको। मालिक को सवालों जवाब देने का है, हर सवाल का जवाब कहाँ से दूंगा मैं, पैसे कहाँ से कमाए, कहाँ खर्च कर दिया, जवानी कहाँ बिताया, अपनी ताकत को कहाँ लगाया, इस सब सवाल का जवाब देने का मालिक को। क्या पुलिस वाले को खाली गोली का हिसाब देने का रहता है क्या? खाली पुलिस वाले लोग को अपनी बंदूक की गोली का हिसाब देने का रहता है? गैंगस्टर लोग को भी ऊपर जवाब देना पड़ेगा रे। ओ अनमोल बिश्नोई को ढूंढ के लाने वालों को NIA ने 10 लाख का इनाम रखा है, तो फिर चोर पुलिस खेलो। अभी तुमको जमीन पे सुकून से इंसानों की तरह जीने का शौक नहीं है, हमको तो जीने का शौक है, इसलिए हम खुलेआम बैठे हुए हैं, हमको किसी का खौफ नहीं है, अल्लाह के अलावा किसी का खौफ नहीं है। तो प्लीज जितने भी मुसलमान लोग हैं, बाबा खान जैसे मेंटल लोग, हाँ जुबा से कह भी दिया ला इलाहा इल्लल्लाह तो क्या हासिल, दिलो निगाह जो मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। बाबा खान अपने गिरेबान में झांक मेरी जान, मरने वाला है तू, लॉरेंस बिश्नोई को जितना तू चैलेंज करेगा ना उतना उसके पोट्टे लोग निकल के फुकट में ठोकेंगे बे। क्यों? क्योंकि खुल गए याजूज और माजूज के लश्कर तमाम, चश्मे मुस्लिम देख ले तफसीरे हर पे यंसिलून, बच्चे लोग की बस की बात नहीं है हमसे भिड़ना। बाबा खान इल्म के मैदान में आप हमारे सामने बच्चे हो, लाना है तो जरा जाकिर नाइक को लेकर आओ जो पाकिस्तान में अभी बदनाम हो रहा है, लेकर आओ उनको सोशल मीडिया पे, बताएंगे हम राकेश एक्स धोबी क्या चीज है, आपको पूरे हिंदुस्तान को नहीं पूरी दुनिया को बताएंगे हम क्या चीज है। हमें तो फिरका परस मुल्लों ने लूटा, ये सरकारी कुत्तों में कहां दम था।